जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन पर। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप यूपी की और अदर स्टेट वाले भी अगर परेशान हो गए हैं और भर्तियां हाइट की दिक्कत है और आप बीटेक या अपना डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। बिहार सरकार ने 10,101 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें आपके राजस्व विभाग की भर्ती है टोटल ये, तो इसमें अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आपके अंदर है कि मैं मुझको पेपर तो मिलना चाहिए और मैं जो है दूंगा इस पेपर को, तो आप बिल्कुल मेहनत करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं किसी भी स्टेट के रहे हों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएँ, बिहार राजस्व भूमि सुधार, तो सीधा सीधा पता चल रहा है राजस्व मतलब अपना तहसील भूमि सुधार विभाग, नई दिल्ली, नई भर्ती 2023। तो नई भर्ती है दोस्तों, पद कितने हैं टोटल 10,101 पद हैं, अच्छे खासे पद हैं और काफ़ी समय से इसका इंतजार चल रहा था। जो बिहार के विद्यार्थी होंगे बिल्कुल बताएंगे कि हाँ, इसका इंतजार काफ़ी समय से चल रहा था, पर वो डेट अब आ गई जब हमारे फॉर्म डलने आज शुरू हो गए। ठीक है दोस्तों, तो पद का नाम दोस्तों विशेष, अब इसमें कुछ पदों को देख लेते हैं, किस पद पे है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या रिटर्न रहेगा, सभी पर बात करेंगे एक एक करके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। तो विशेष सर्वेक्षण लिपिक मतलब क्लर्क की भर्ती है विशेष सर्वेक्षण। ठीक है, 744 पोस्ट है दोस्तों, 25,000 तनख्वाह मिलेगी, आयु 21 से 37 मतलब 37 साल होनी चाहिए। ठीक है, अमीन की पोस्ट की बात करें तो 8244 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, 31,000 तनख्वाह मिलेगी, 18 से 37 इसकी भी उम्र है, 4,000 प्रति माह मिलेगा अलग से आपको 12 महीने के लिए, 48,000 रुपये ये भी मिलेंगे मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, इंटरनेट के लिए। अमीन का देखिए कितना अच्छा पद है, 31,000 सैलरी आपको शुरुआत में मिलेगी, ऊपर से 4,000 महीने का आपको लैपटॉप मोबाइल इंटरनेट का खर्चा भी मिलेगा, तो बढ़िया नौकरी है अमीन की, अच्छी खासी नौकरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कानूनगो की, तो 758 पद यहाँ भी हैं, 36,000 तनख्वाह मिलेगी और 18 से 37 साल उम्र यहाँ भी रहेगी दोस्तों। इसके बाद सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, तो इसमें दोस्तों बीटेक वाला चाहिएगा, बीटेक, और इसमें मतलब कई ऐसे हैं जिनमें बीटेक की ज़रूरत है, तो दोस्तों 355 पद हैं, तो 59,000 यहाँ पर तनख्वाह मिलेगी, 21 से 37 साल उम्र यहाँ भी रहेगी। अप्लाई डेट की बात करते हैं दोस्तों, तो आज से ही डलने शुरू हो गए हैं, आज 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल से ही आपके फॉर्म डलने शुरू हो गए, 12 मई तक फॉर्म पड़ेंगे, पर हमको 12 मई का इंतजार नहीं करना। अगर हमको फॉर्म भरना है और हमको सिलेक्शन लेना है तो फॉर्म अपना शुरू में ही भर देना, ताकि वेबसाइट वगैरह हैंग होती है उसका हमें सामना ना करना पड़े। फीस की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने फीस बहुत अच्छी खासी ले रहे हैं, ताकि जैसे जैसे डग्गा मारी वाले चलो फॉर्म भर देते हैं देखा जाएगा, तो वो यहाँ पर कम भरेंगे फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर 800 रुपये फीस रखी गई है, जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस 800 रुपये फीस रखी गई है, एससी एसटी पीएच के लिए 400 रुपये फीस रखी गई, तो फीस इन्होंने ठीक ठाक रखी, क्योंकि इसमें पेपर भी है तो उन्होंने उसी हिसाब से रखी है, जैसे पेप भरती है उसी हिसाब से उसका फीस रखी है। और एससी एसटी के लिए भी दोस्तों 400 रुपये फीस है, और आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको यही 800 रुपये फीस रहेगी अदर स्टेट भी। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में ही फॉर्म भरेंगे। और करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो 18 से 20 मई को करेक्शन कर सकते हैं, कुछ वजह से फॉर्म भरने में गलती हो जाती है उनके लिए। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो एज ऑन 1/1/2023 से आपकी एज की गणना की जाएगी, और छूट मिलेगी दोस्तों बीसी और ईबीसी को 3 साल की मिलेगी और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, साइंस हो, किसी से भी हैं आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और जिनके लिए विशेष सहायता मांगी है तो उसके लिए आपको बीटेक होना ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, तो एग्ज़ाम मोड, सबसे पहले तो एग्ज़ाम का पता, क्योंकि ज़्यादातर ये एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन होते थे तो उसमें नकल वगैरह का होने का ज़्यादा वो रहता था, तो अगर ये ऑनलाइन होगा तो थोड़ा सा नकल पे बन वो लगेगा, तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। और ये सीबीटी होगा मतलब ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और बीपीएससी इसको लेने वाली है, तो ये बीपीएससी अपने जैसे यूपीएससी मतलब अपने यूपी की होती है यूपीपीसीएस, तो उसी प्रकार के बीपीएससी है। ठीक है, तो पेपर की बात करें दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, मतलब हिंदी लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज है ये। ठीक है,
हिंदी लैंग्वेज भी रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो क्लर्क है ये अपना क्लर्क विशेष सर्वेक्षण लिपिक क्लर्क, इसका जो पेपर का पैटर्न रहेगा उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो है 150 क्वेश्चन आएंगे, 600 नंबर के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन चार नंबर का, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 2 घंटे का समय मिलेगा, नेगेटिव भी है, ठीक है। तो 2 घंटे 15 मिनट का समय मिल रहा है दोस्तों, और जीके के 50 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। यहाँ पर ना इंग्लिश आ रही है और ना हिंदी आ रही है, आपको जीके पढ़नी है, मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़नी है। तो यहाँ पर आपके तीनों सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश से कुछ डरते हैं तो उनके लिए भी बढ़िया है कि इंग्लिश यहाँ पर नहीं पूछी जा रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अमीन की, अमीन कानून को सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। तो इनमें दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 400 नंबर के, यहाँ भी क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है और 100 क्वेश्चन आने वाले, 2 घंटे 15 मिनट का समय यहाँ भी मिला, समय पर्याप्त है इसमें भी, इसमें भी, इसमें तो चलो मैथ रीजनिंग है तो इसमें तो 2 घंटा 15 मिनट थोड़ा सा वो भी है, पर इसमें समय पर्याप्त मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, तो वहाँ इतना कम्फर्टेबल, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा टफ है, पर यहाँ पर जो है समय सही मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर सिविल इंजीनियर के, इंजीनियरिंग के आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपका बीटेक है तो बीटेक से संबंधित आपके 75 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके लिए अगर आप बीटेक हैं तो बड़ा गोल्डन चांस है, मेहनत करें और इस फॉर्म को भर दें और अपना सिलेक्शन में भागीदार बनें, क्योंकि बिहार सरकार भी ऐसी बात नहीं भर्तियाँ कराती रहती है, अच्छी भर्ती कराती है। तो अगर आप यूपी में या किसी और स्टेट की भर्ती देख देख के थक गए हैं, भर्ती नहीं निकल रही है, हाइट प्रॉब्लम है, हमने बीटेक कर रखा, पढ़ने का जुनून जज्बा है और हमने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप इस भर्ती का फॉर्म ज़रूर भरें दोस्तों। मिलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।